हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनीता गाइड। आज हम इस वीडियो में कोविड 19 के दौरान जो एजुकेशन में इफ़ेक्ट पड़ा है उसके बारे में सारा डिस्कस करेंगे और कौन कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं, कौन कौन सी ऐप्स अवेलेबल हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आपको सबको पता ही होगा कि कोविड 19 की वजह से पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों ही सेक्टर्स को बहुत ही इफ़ेक्ट पड़ा है, बुरा इफ़ेक्ट पड़ा है, काम बंद हो गया है। अगर काम लॉकडाउन के दौरान भी जो कितने सारे मज़दूर थे उन्हें वापस अपने घर में पहुंचना पड़ा है। वहीं पर एजुकेशन सेक्टर में भी थर्टी टू करोड़ स्टूडेंट्स जो हैं उनके ऊपर, उनकी स्टडी पर इफ़ेक्ट पड़ा है। जहाँ पर कोविड 19 की वजह से बहुत ही भयावना वातावरण बना हुआ है और जहाँ पर इतनी सारी डेथ हो रही है रोज़ की, आप देख रहे होंगे न्यूज़ में, वहाँ पर एजुकेशन सेक्टर में इस ट्राइंग टाइम में ये जो ऑनलाइन लर्निंग है ये एक बेस्ट ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बनकर आई है सामने। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इट हैज़ गिवन होप टू टीचर्स एज वेल एज टू स्टूडेंट्स। इट इज़ वेल सेड डैट एवरी डार्क क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइन। आप देखेंगे कि बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल किए हैं गवर्नमेंट ने। उसमें सबसे पहले जो है वो है मूडल। मूडल स्टैंड्स फॉर मॉडुलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनामिक लर्निंग एनवायरनमेंट। ये एक फ्री एंड ओपन सोर्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। और उसके बाद है मुक्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। दीज आर ऑल्सो फ्री ऑनलाइन कोर्सेज और जो कि न्यू स्किल के लिए आपको बहुत ही अफोर्डेबल मीन्स में आप लर्न कर सकते हो। और ये इंटरेक्टिव कोर्सेज हैं जिसमें वर्चुअल डिस्कशन कर सकते हैं स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में। इसी ऐसे हम आगे चले तो ऑनलाइन जंक्शन है शगुन। शगुन एक ऐसा ऑनलाइन जंक्शन है जिसके अंदर स्कूल एजुकेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, स्टेट ने, यूनियन टेरिटरीज ने मिलकर सेवरल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश किए हैं। इसमें नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, जिसमें आपको 16,000 रजिस्टर्ड यूज़र्स मिलेंगे, 14,527 ई लर्निंग रिसोर्सेज मिलेंगे और इसमें आपको 2,779 डॉक्यूमेंट्स हैं और 1,664 ऑडियोज़ हैं, 2,586 आपको इमेजेस मिलेंगी, 6,000 के लगभग आपको इसमें वीडियोस डिफरेंट लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। इसके बाद है दीक्षा। दीक्षा जो है वो है नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टीचर। ये भी एक ऐसा पोर्टल है जो टीचर्स को इक्विप करता है कि वो एक क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक ई लर्निंग के वर्ल्ड में काम कर सकें। ये प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स और टीचर दोनों के लिए अवेलेबल है। एक ऐसा यूनिक ऐप है जो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स को स्कैन करने के लिए आप अपनी बुक्स जो है बुक्स का कोड डालकर, कोड इसमें अवेलेबल है बुक्स के, और आप उस कोड को स्कैन करके आप जो है लर्निंग मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। 80,000 इसमें ई बुक्स अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए। और इसके बाद है ई पाठशाला। ई पाठशाला जो है वो भी एक से लेकर 12वीं क्लास तक अवेलेबल है। उसमें भी आप लगभग 1900 ऑडियोज़, 2000 वीडियोज़ और 700 ई बुक्स जो हैं उसमें अवेलेबल हैं। और आगे हम चले तो स्वयं, SWAYAM, स्वयं भी एक ऐसी फैसिलिटीज़ है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे जो इस्टेब्लिश किया है वो बहुत ही रेपुटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, AICT, इग्नू, UGC, IIT, NCERT, इन सब ने मिलकर स्वयं को जो है इस्टेब्लिश किया है। आगे स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा भी एक कलेक्शन है जिसमें 32 DTH चैनल दिए गए हैं जो कि 24/7 स्टूडेंट्स के लिए रन करते हैं और हर रोज जो है नया कंटेक्ट इसमें डाला जाता है जो कि कम से कम 4 घंटे की ड्यूरेशंस का होता है। अदर प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल हैं, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी अवेलेबल है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी अवेलेबल है जिसमें आप बहुत सारी बुक्स को एक्सेस कर सकते हो। तो ये सारे प्लेटफॉर्म जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अवेलेबल हैं, भी हैं बहुत सारी बुक्स भी हैं जिसे ओपन लाइब्रेरी है, वहाँ पर जाकर आप अपनी बुक्स को एक्सेस कर सकते हैं। गूगल बुक्स है। पहला आ जाता है यूडेमी।
यूडेमी एक ऐसी ऑनलाइन सर्विस है जो आपको हर प्रकार के जितने भी कोर्सेज वेब डेवलपमेंट के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए अवेलेबल हैं वो इस ऐप में अवेलेबल हैं। और नेक्स्ट है लाइंडा। लाइंडा जो है lynda.com में बहुत सारी वैरायटी ऑफ कोर्सेज अवेलेबल हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, वीडियो प्रोडक्शन के लिए। और ये सारे ये जो मोबाइल ऐप है दिस विल गिव यू द फ्रीडम टू लर्न एट योर ओन पेस। आप अपनी कंफर्ट के अनुसार इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। आगे खान अकेडमी। खान अकेडमी जो है दिस इज डिफरेंट फ्रॉम यूडेमी एंड Lynda, that here all the courses are available 100% free. 100% free आपको हर प्रकार के courses खान अकेडमी में मिलेंगे, चाहे वो मैथ से रिलेटेड हैं, साइंस से रिलेटेड है या ह्यूमैनिटी से रिलेटेड है। आगे जो ऐप है वो है टेड जो है, टेड टॉक्स मिल देंगी आपके डिवाइस में। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। टेड भी जो है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंस्पिरेशनल थॉट्स दिए गए हैं। और यहाँ पर वीडियो जो है आप 18 मिनट से कम वीडियो को आप एक्सेस कर सकते हैं। ल्यूमियोसिटी नेक्स्ट ऐप है आपकी, जो आपको ब्रेन गेम्स के द्वारा जो है आपकी प्रॉब्लम को आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग के लिए ये बहुत ही यूज़फुल ऐप है। उसके बाद है गुड रीड्स एक ऐसी ऐप है जो कि डिजिटल वर्ल्ड में आप जो है इसमें 40 मिलियन मेंबर्स हैं। गुड रीड जो है वो बेसिकली फेसबुक ऑफ ऑल वेल बुक्स, तो इनका मिशन है कि राइट बुक एट राइट हैंड एट राइट टाइम। आगे है ड्यूलिंगो भी जो है वो भी एक ऐसी ऐप है जो कि आपको कम से कम 12 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है इसमें मटेरियल। फिर स्टडी ब्लू भी एक ऐसी ऐप है जिस जो कि एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है और जिसमें जो है आप अपने कोर्स के अनुसार अपने नोट्स जहाँ यो जो आपके फ्लैश कार्ड्स हैं उसे एक्सेस कर सकते हैं। विकिपीडिया तो सभी को पता है। यूट्यूब भी आपको ज़रूर पता होगा, जिसमें कितनी ही प्रकार की, जैसे आप मुझे देख रहे हो यूट्यूब की वीडियो में ही, इस तरीके से बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। आप इसका एडवांटेज ज़रूर लर्निंग के लिए ले सकते हैं। टैंकर इज़ द ऐप विच गिव्स लर्निंग। ये एजुकेशनल ऐप है विच इज़ डिज़ाइन स्पेशली फॉर किड्स के लिए ये। इसमें आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग किड्स जो है वो सीख सकते हैं। गूगल आर्ट एंड कल्चर भी जो है उसमें आर्टिस्ट, आर्ट, हिस्ट्री, ये स्टोरीज, ये सारा आप एक्सेस कर सकते हैं। कोरा एक ऐसी ऐप है जिसमें जो भी आपको क्वेश्चन है आपके या कोई आप ये पर्टिकुलर टॉपिक ढूंढ रहे हैं तो कोरा ऐप जो है आपको अलाउ करती है कि आप जो भी सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं आप उसके क्वेश्चन पुट कीजिए एंड आंसर कैन बी एक्सेस इन दिस कोरा ऐप। इसके अलावा ईडेक्स है, स्टार चार्ट है, सो देयर आर सो मेनी ऐप्स। और आप देख रहे हैं कि यूजुअली जो हैं स्टूडेंट्स और टीचर्स जो हैं जूम में और गूगल मीट में, इसके अलावा आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से स्टूडेंट्स और टीचर्स जो हैं आजकल जो क्लासेस चल रही हैं गूगल क्लासरूम में, गूगल मीट में, वेबएक्स में, लाइफ साइज क्लाउड में, जूम में लोग जो हैं अपनी मीटिंग्स फिक्स कर रहे हैं, वेबिनार चल रहे हैं, सेमिनार चल रहे हैं। आप इन सारी ऐप्स का भी जो है फ़ायदा लेकर अपनी लर्निंग को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपको मैंने अभी बताया कितने सारे प्लेटफॉर्म्स और कितने सारे जो हैं ऐप्स अवेलेबल हैं आपके लिए, और आप अपनी स्टडी को ज़रूर कंटिन्यू करिए। और समझ लीजिए कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, डिवाइसेस अवेलेबल नहीं है बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल प्रॉब्लम, और या उनका रूरल जो इन्वायरमेंट है वहाँ पर 4G एक्सेस करना बहुत मुश्किल है। जम्मू एंड कश्मीर स्पेशली वहाँ पर भी 4G का होना इतना पॉसिबिलिटी नहीं है। इन दैट केस वो स्टूडेंट्स क्या करें, कैसे पढ़ें? और यहाँ समझ लीजिए कोई स्पेशल स्टूडेंट्स हैं, हाउ दे शुड स्टडी इन द एब्सेंस ऑफ ऑल दिस स्मार्टफोन एंड कंप्यूटर और डिवाइसेस। तो उनके लिए मेरी यही एडवाइस है कि पुराने समय में तो ये डिवाइसेस नहीं होती थी तो भी क्या स्टूडेंट्स IAS ऑफिसर नहीं बनते थे? क्या वो अपनी एजुकेशन नहीं ऐसा नहीं है? हमारे में अगर विल पावर है और अगर हम चाहें
तो क्या से क्या नहीं कर सकते हैं। तो आपको उनके लिए मेरे ये एडवाइस है कि वो स्टूडेंट्स जो हैं नोट्स बनाएं, अपनी बुक्स जो हैं उनसे रीड करें, और अगर किसी फ्रेंड के पास है अगर इंटरनेट एक्सेस तो वहाँ चले जाएं, नियर बाय कैफ़े में चले जाएं, और अगर ये भी अवेलेबल नहीं है तो बुक्स आर द मेन एंड वेरी वेरी आई शुड से रिलायबल सोर्स ऑफ स्टडी। तो वो बुक्स से भी स्टडी कर सकते हैं, मैगजीन से स्टडी कर सकते हैं, न्यूज़पेपर अच्छी तरह से पढ़कर वहाँ से कर सकते हैं, टेलीविज़न में बहुत सारे एजुकेशनल चैनल हैं जिनका वो हेल्प ले सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो के एंड में जितने भी लिंक्स हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के आप प्रोवाइड कर रही हूँ, आप ज़रूर देख लीजिएगा और उसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अब अगर आपने ऑनलाइन लर्निंग करनी है तो आपके लिए कुछ टिप्स हैं। जब भी आपकी कोई मीटिंग फिक्स होती है किसी टीचर के साथ तो आपको चाहिए कि आप 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले ही रजिस्टर कर दें अपने आप को, सो दैट यू कैन अवॉइड लास्ट मिनट हसल। उससे आपको प्रॉब्लम आएगी और आपके दिमाग में रहेगा कि आपने टाइम पर क्यों नहीं ज्वाइन किया टीचर को। और सेकेंड थिंग, आप अपने नोटबुक, पेन, पेंसिल सब कुछ अवेलेबल अराउंड रखें, सो दैट यू डोंट नीड टू मूव हियर एंड देयर व्हेन द वीडियो इज रनिंग। और वीडियो को जरूर रिकॉर्ड कर लीजिए ताकि आप बाद में उसे देख लीजिए, हो सके तो डाउनलोड कर लीजिए और अपने फ्रेंड से ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उसे भी हेल्प हो सके। तो ये सारे टिप्स थे, उम्मीद है आपको इन टिप्स से कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी और पता लगा होगा कि किस तरीके से हम इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑब्स्टेकल एंड हर्डल अपने शो को आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी स्टडी को हम आगे लेकर जा सकते हैं। तो आप इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से जो आपको हेल्प हो सके ऐसी वीडियो लाती रहूँगी। तो हमने देखा था पिछली वीडियो में, हमने जो है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट शुरू की थी कॉमर्स का सिलेबस में, और आगे जो है मैं आपको कैश बैलेंस से मैंने लास्ट वीडियो में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की थी, आने वाली वीडियो में मैं आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी वो हम ओवरड्राफ्ट की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से आपका सिलेबस और इस प्रकार से जो जनरल टॉक है वो चलती रहेगी। आप अपनी सजेशन कमेंट जरूर मुझे भेजिए, और पिछली वीडियो में मैंने असाइनमेंट लिंक दिए हैं, आप अपना असाइनमेंट जरूर कीजिए और मुझसे शेयर कीजिए अपने आंसर। थैंक यू वेरी मच।